हरे कृष्णा, तो टॉपिक है आपका कल कैसा होगा. ओके, तो आपका कल कैसा होगा, हाउ विल बी योर टुमारो. ओके, मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत सालों पहले, द डे आफ्टर टुमारो. बहुत ही रोमांचक फिल्म थी. इट्स ऑल अबाउट द विंटर एंड बर्फ के ऊपर फिल्म थी. हिंदी में देखी थी एंड यू नो मतलब ठंडी का मौसम था एंड जब हमने देखी तो बहुत अच्छा लगा था, यू नो. सो यस, दिस इज अबाउट आपका कल कैसा होगा, यू नो, जस्ट लाइक दैट. क्यूरियोसिटी होती है तो चलो मैंने उसके ऊपर एक रीडिंग बनाने की सोची है. मोस्टली रीडिंग मैं अपलोड करूंगा हर रोज. ओके, लाइक दिल की बातें एंड वो क्या सोच रहे हैं. अब शायद एक दो टॉपिक में मैं चेंजेस करूंगा, लेकिन ये तो है. अब यहाँ पे मैंने पहले ही कार्ड चुन लिए हैं, जैसे कि मैं हर बार चुनता हूँ. कोई भी फेरबदल नहीं है, बस आपके सामने नहीं किए हैं, जस्ट टू सेव द टाइम. ठीक है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे, एक बार मैंने 3-4 वीडियोज़ अपलोड किए थे तो किसी ने कमेंट किया था कि काफ़ी सारा डेटा यूज़ होता है. ओके, एंड मैं भी देखता हूँ, मुझे भी 2 GB का डेटा है मेरा. जैसे मैं वीडियो अपलोड किया मैंने, वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो मुझे एड ऑन लेना पड़ता है हमेशा. तो मैं, लेकिन पता नहीं लोगों को फिर, यू नो, हर एक की कोई लिमिटेशन होती है. सो आई डोंट वांट टू मैस अप विद देम. आपको लो रिजल्ट में देखना है तो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि मैं कम यू नो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टाइम हूँ वो दे सकूँ रीडिंग में. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स लुक एट द रीडिंग. यहाँ पे आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो चुनने हैं आपको. द फर्स्ट वन इज दैट, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस. जस्ट अ मिनट. तो तीन ऑब्जेक्ट्स में से किसी ऑब्जेक्ट को चुन लीजिए. ये हैं कलर, मेरे सिस्टर ने मंगाए थे ऑनलाइन कलर करने के लिए. ठीक है, तो ये हैं फर्स्ट जो आप चुन सकते हैं, ये है सेकेंड जो आप चुन सकते हैं, एंड ये है थर्ड जो आप चुन सकते हैं. ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी को भी चुन लीजिए. पॉज कीजिए वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव इट. लेकिन मैं तो चला रहा हूँ रीडिंग करने के लिए, चला जाता हूँ रीडिंग करने के लिए, चल रहा हूँ. ओके, चला जाता हूँ किसी की धुन में, रबते दिल के तराने लिए. बहुत अच्छा ये गाना है ना, लेकिन मुझे ज़्यादा गाना नहीं आता. ठीक है, मैं बस एक या दो लाइन ही गुनगुनाता हूँ. मैं मोस्टली मेरे खुद के सॉन्ग्स बनाता हूँ, यू नो. एक बार मैं ऐसे ही था एक बड़ी सिटी में जहाँ पे कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था. ट्रांजिस्टर लिया था, वो भी वर्क नहीं कर रहा था, बड़ा फ़ोन भी नहीं था. सो अंताक्षरी खुद से ही खेल रहा था, लेकिन गाना भी नहीं पता था. तो फाइनली मैंने कहा कि चलो खुद ही गाना बनाते हैं. सो वाज देन मेकिंग सॉन्ग्स सिंस देन. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द रीडिंग. आपके सामने 7 कार्ड्स हैं, फिर कुछ और हिंदी के कार्ड्स लेंगे अलग एंड 2 टैरो के होंगे. ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या रीडिंग है. द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जनवरी. जनवरी आ गया है. ओके, पहला कार्ड जनवरी आ गया है. आपके लिए कल का दिन बहुत स्पेशल है. ठीक है, अगर कोई नया साल का रेजोल्यूशन बनाना है, कुछ चीज़ें आपको करनी है, मैं पॉजिटिव करूँगा कुछ भी. ओके, तो कर सकते हैं. अब बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पैसे कमाने हैं, GST इन रजिस्ट्रेशन कराना है. मुझे भी कराना है एक्चुअली. मैंने एक से बातचीत की, 1,500 से 2,000 तक मुझे खर्चा बोला है. ठीक है, एंड कुछ दिनों में मुझे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. ओके, घर से मैं करने का सोच रहा हूँ ताकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मैं कुछ चीज़ें सेल कर सकूँ. ओके, तो अगर ऐसा आपको कुछ करना है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेहतर दिन है. ओके, तो दिस इज़ हैपनिंग. मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ मुझे भीमा शंकर जाना है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए. देखते हैं. ओके, पता नहीं अब कल जा पाऊँगा नहीं, क्योंकि उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए एंड काफ़ी टेम्पल्स है, तो शायद वहाँ पर रुकना पड़ेगा मे बी, देखते बाद में. लेकिन आपके लिए देखते हैं तो जनवरी आपके लिए काफ़ी अच्छा है. ओके, अब नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है शॉपिंग. आपका दिन कल का शॉपिंग के लिए हो सकता है, ई शॉपिंग या फिर एक्चुअल शॉपिंग हो सकती है. ओके, अब शॉपिंग के लिए तो ये देखो नया साल है, पिछला साल तो गया, 2020 तो गया, 2021 आ गया. ओके, अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं यू नो रिगार्डिंग टैक्सेस, यू नो टैक्स के लिए, तो टैक्स ईयर एंड होता है मार्च को एंड जून में आपको टैक्सेस पे करने होते हैं. अब पिछले साल का जून का तो चला गया दिसंबर तक एंड अब इस साल का तो आ गया मार्च तक. देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, विद इन 6 मंथ्स आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. चलो कोई बात नहीं, यू कैन डू दैट. ठीक है, तो शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी कल. आई थिंक कुछ हद तक आप शॉपिंग कर सकते हैं. नए साल के लिए अगर नई शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन कुछ मंगाना है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को मंगा सकते हैं. तो मंगाइए चीज़ों को एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू.
फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, कुछ भी है, आप उसे मंगा सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये कार्ड हो रहा है लियो सजिटेरियस एरीज से एंड कैप्रिकॉन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है टकराव, थोड़ा सा टकराव हो सकता है। अभी टकराव इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब आपका जो बिजनेस पार्टनर है या फिर आपको जहाँ पे बिजनेस खड़ा करना है या फिर जिसकी ज़मीन है वगैरह, उनसे थोड़ी सी बहस हो सकती है, तो उससे बचें। दोपहर 2 से 4 बजे का टाइमिंग एंड 6 बजे का बाद टाइमिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, या फिर अगर किसी से बहस हो सकती है तो उससे थोड़ा सा बचे। एरीज है, कैप्रिकॉन है एंड सजिटेरियस है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जुलाई, किसी किसी का रिजोल्यूशन है जुलाई, जुलाई तक कुछ करना है या जुलाई में कुछ करना है। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल फैसिनेटिंग कार्ड फॉर यू। अगर आपको कुछ करना है तो आप इस कार्ड को देख सकते हैं, मे बी आपके दिल में कुछ है। ठीक है, जुलाई में शायद किसी की एंगेजमेंट हो सकती है या फिर किसी की शादी। ओके, समथिंग अबाउट दिस, या फिर आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया है कि मुझे जुलाई तक कुछ करके दिखाना है, तो ये आपके दिल में शायद कल चलेगा। पाइसिस एरीज सजिटेरियस कैप्रिकॉन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है चाह। ओके, तो किसी चीज़ की चाह आपको हो सकती है एंड चाह हो रही है एक्सेप्टेड, यू नो वट एवर यू हैव इन योर माइंड एक्सेप्टेड। ओके, अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद चाय यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। ओके, मे बी यू आर डायबिटिक पर्सन, या फिर चाय ज़्यादा पीने की आपको तलब आ सकती है। And you want to spend some time with your lover and kissing आपको ज़्यादा करनी है maybe, so this could be going on with yourself। तो अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं। अब हालांकि 2 कार्ड और बचे हैं जो कि है जुनून है आपके दिल में। ठीक है, अब maybe you are looking for that kind of thing। देखो यहाँ पे 60-40 आ रहा है रेशो, 60 आ रहा है for business, आपको कुछ कर दिखाना है, you're looking for that kind of thing, you know, I want to do something creative in business, नया business start करना है या फिर कुछ करके दिखाना है, तो जुनून है आपके यू नो दिल पे सबा कि मुझे करके ही दिखाना है। आई वांट टू प्रूव मायसेल्फ दैट आई कैन डू इट, यू नो। तो काफ़ी लोग प्रभावित हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी यू नो अचंभित हो सकते हैं कि वाओ मेरे बेटे या बेटी ने कितना अच्छा करके दिखाया है। हालांकि यहाँ पे कार्ड है मिलना, तो यस 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब जुनून में एक और चीज़ हो रही है, आपको किसी से मिलना है, योर लवर, शायद नहीं मिले हैं यू नो एक दिन से। एरीज कैप्रिकॉन सजिटेरियस लियो वर्गो है इसमें। ठीक है, एंड ये जो कार्ड है मिलना उसमें है टॉरस कैप्रिकॉन वर्गो लियो सजिटेरियस। ठीक है, अब ये कार्ड है, ये आई थिंक प्रोमिनेंट साइंस है यहाँ पे मोस्टली, ये लोग इनसे मिल सकते हैं या फिर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबली आपकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो काफ़ी बढ़ेगी। यू विल बी यू नो इन वंडर्स टू मीट देम, एंड फाइनली अगर आपको अपने दिल की बात कहनी है यू कैन से दैट। ठीक है, अब इनिशियल से हम लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं कुछ और कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं। ठीक है, ये कार्ड क्या है वो देखते हैं, फिर टैरो देखेंगे। रिफ्यूज़ल, किसी किसी बात का रिफ्यूज़ल कल आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। ओके, अगर आपने कहीं पे यू नो प्लान भेजा है तो शायद कहीं ना कहीं पे वो प्लान का नकार हो रहा है, प्लान का इनकार हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको GST ना अपने या फिर टैक्सेस भरे हैं तो यू नो ई वेरीफाई करना होता है, गलत OTP डाला। कई बार क्या होता है कि OTP देर से आता है, तभी आपने किसी और OTP को डाल दिया, पहले वाला आ गया, तो कहेंगे कि ठीक है वे वेरीफाई, आपको कहेंगे कि इट इज़ डिक्लाइन। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सरकास्टिक निंदापूर्ण। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो निंदापूर्ण हो सकती है। यू नो हम कहते हैं कि हम लोगों के बीच रहते हैं एंड लोग भी ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं एंड हमारे खिलाफ भी जाते हैं, तो उसमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधी तौर पे आपकी निंदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। ठीक है, अब देखो आप किसी को रोक तो नहीं सकते, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मी, यू नो जिसकी जो औकात है वो वही करेगा, है ना, एंड दैट इज़ समथिंग। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, अगर बैल है उसके सींग हैं, और अगर वो गुस्से में है तो वो क्या करेगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और वही अगर शांत है तो आप कुछ भी करो वो कुछ नहीं करेगा, यू नो, तो अंडरस्टैंड कीजिए। थर्ड जो कार्ड है वो है ये डिफ़िकल्टीज, मतभेद। ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं 4 बजे के बाद लियो सजिटेरियस एरीज को, लेकिन वो बहुत ही जल्द मिट भी सकती हैं। ठीक है, तो लुक फॉर दैट, एंड द लास्ट कार्ड इज रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, मतलब फाइनली आप किसी चीज़ से रिकवर हो सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं पे आप ध्यान दे रहे हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड डू इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली। ठीक है, कोरोना है या फिर जो जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्री इलनेस है लाइक डायबिटीज़ एंड BP, तो वो अल्टीमेटली कवर हो जाएगा विद इन 2 और 3 ईयर्स। ठीक है,
बट लुक फॉर द सेटलमेंट रेशियो, जिसका अच्छा है उसी को चुन लीजिए. एंड द लास्ट टू कार्ड्स आर दीज वन. ठीक है, मूवमेंट्स टेक्नीशियन नंबर 8. कहीं ना कहीं पे आप रुके हुए हैं, ठीक है, थोड़े से आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है. अब देखो, एक यू हो रहा है कि हमारे ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं, यू नो, फॉर एग्जांपल बिजनेस में ना पढ़ो जॉब करो, तो यू नो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से. इस चीज़ को आपको तोड़ना पड़ेगा. हर एक को मौका मिलता है एंड मौका क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, अभी कल परसों मैंने कोरा में पढ़ा था कि किसी ने कहा था कि क्या होगा कि अगर आपको पता चले कि एक चाय वाला एक क्लोथ मर्चेंट बन जाए. एंड लिटरली हैपन, उन्होंने किसी ने यहाँ पे इमेजेस भेजे थे एंड यू नो पोस्ट डाली थी कि देयर वाज अ गाय ही न्यू, ठीक है, जिसकी लाइफ बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उसने हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा. 6-7 महीने तक लगातार हार्डवर्क किया, फिर उसकी दुकान चल पड़ी, फिर क्लोथ के बिजनेस में आ गया, वो दुकान चल पड़ी, नाउ ही इज़ अ बिजनेस ओनर. सो जस्ट इमेजिन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं. जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नंबर 7, मास्टरी सुपर स्पेशलिटीज. ठीक है, तो मास्टरी आपको किसी चीज़ की मिलने वाली है. ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं पे आफ्टर 4 o'clock आप अपने लवर से कनेक्ट होने जा रहे हैं. यू कुड हैव फन टुगेदर. ठीक है, एंड मोर देन दैट मास्टरी यहाँ पे आ रही है कि अगर आपको कुछ कर दिखाना है, लाइक टू यू नो गेट टू नो अबाउट समथिंग अ वंडरफुल टॉपिक, यू कैन डू दैट. यू नो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी में कुछ करके दिखाना है, यूट्यूब पे आना है या फिर कोई बिजनेस करना है, तो पहले उसमें मास्टरी कीजिए. एग्जैक्टली मुझे क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट किसी ने कहा कि आप जाइए एंड यू नो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं होगा. यू नो उसके लिए बहुत दिमाग लगता है, और लगा तो लगा, नहीं तो डाउन, तो दोनों चीज़ें होती हैं. तो ध्यान से सभी चीज़ें पढ़िए तो आप आगे बढ़ सकते हैं. देखिए इनिशियल्स क्या आते हैं फॉर यू. ओके, जी एल टू एस बी 7 4 एंड ई. ठीक है, लगता है मुझे वीडियो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लंबा होने वाला है वीडियो शायद से. ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट. अब देखते हैं सेकेंड ही है ये शायद से, मेरे हिसाब से ये सेकेंड ही है. ठीक है, तो मैं रखता हूँ पेन यहाँ पे एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके, ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. ओके, कल आप एक चीज करने वाले हैं, कोशिश, काफ़ी अच्छी बात है. सजेस्ट ई एरीज लियो है कैप्रिकॉन है. ठीक है, आप कोशिश बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे. यू नो हार्डवर्क करेंगे आप. ठीक है, आपकी बात किसी को कहनी है, कोई आपसे अपसेट है, आपको उनको वापस से उनके चेहरे में मुस्कान लानी है, आप यू नो विदाउट एनी डीले एफर्ट्स करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे. वहीं पे अगर कोई बिजनेस प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप काफ़ी सारा हार्डवर्क करेंगे. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिमिटेशन है, एग्जैक्टली कौन सी बात है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कौन सी बात आपको रोक रही है, आप उसके ऊपर रियली वर्कआउट करेंगे. नेक्स्ट कार्ड है वो है आगे बढ़ना. किसी भी हालत में आप आगे बढ़ते रहेंगे. एरीज कैप्रिकॉन लियो सजेस्ट आ रहा है. ओके, पाइसिस भी कहीं ना कहीं पे है, आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब देखो जिंदगी में रुकावटें हर एक को आती है, मुझे भी आती है, लेकिन प्रॉम्प्ट थिंग ये होती है कि आप आगे बढ़ें, वहीं पर रुके नहीं, है ना, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैं एक जगह पे गया था एंड रोड कंस्ट्रक्शन बन रहा था एंड पता नहीं एक यू नो जो टाटा SGC गाड़ी थी, ठीक है, वो रोड के साइड में खड़ी थी एंड वो अंदर चली गई थी. तो उसे लोग निकाल रहे थे लेकिन पहिया इतने ज़ोर से घूम रहा था कि सारी जो मिट्टी थी वो बाहर आ रही थी. तो अब निकालेंगे कैसे? येस, दे विल हैव टू आस्क फॉर द क्रेन या फिर कोई ट्रैक्टर जो उसे निकालेगा, लेकिन निकलेगी ज़रूर. तो आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं घर वाले एंड कठिनाई. ठीक है, दो कार्ड यहाँ पे. देखो घर वाले इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू पे अटेंशन टू देम. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. ओके, योर होम पीपल आर रियली इंपॉर्टेंट टू यू. ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पे अटेंशन टू देम, लेकिन इतना भी अटेंशन पे मत कीजिए कि आप खुद को भूल जाएं. यू नो यू हैव अ वैल्यू, आप हैं, इसलिए आज आप दुनिया को देख सकते हैं,
है ना, वरना क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी कोई भी फ़ोन है, ओके अभी आपके पास, इसलिए आप कह रहे हैं कि येस आई एम यूजिंग द फ़ोन, आप यूट्यूब सर्व करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। अगर ये फ़ोन आपके पास नहीं होता तो कहीं पे पड़ा होता या किसी ने और लिया होता, है ना। उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो आपके हाथ में है। इसलिए आपकी आँखों की वैल्यू तभी है जब आप देख सकते हैं, यू आर अ सोल, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे एक बात है, वहाँ पे कठिनाई थोड़ी सी आपको आ रही है, ओके। तो शायद आपकी फैमिली थोड़ी सी आपको कठिनाई में डाल सकती है, जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज है, इसके लिए ये हो सकता है, ठीक है। वर्गो भी है कि आपकी फैमिली आपको कुछ कह रही है या फिर उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, यू नो, क्या उन्हें कहे, कैसे समझें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड कैसे डील करें उनसे। एंड आप वो सोच रहे हैं कि आई एम गॉट स्टक, ओके, आई एम स्टक एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो, हाउ टू कन्विंस देम दैट आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन, ओके। तो ये एक चीज़ हो सकती है। हालांकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, द फर्स्ट वन इज जून, ठीक है। तो जून में कुछ होने वाला है, जून इज समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर यू और वेरी क्रिएटिव, या फिर किसी का बर्थडे जून में है, ओके तो जून में कुछ चीज़ें हैं, एंड या फिर आपको एक अच्छी जॉब जून में लगने वाली है। कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, वर्गो। मुलाकात कार्ड आ गया है, यहाँ पे पाइसेस भी है, ठीक है। मुलाकात कार्ड आ गया है, एंड इसमें क्या है कि मे बी यू आर गोइंग टू गेट एन इंटरव्यू डन, ठीक है, या फिर आप किसी से मिलने वाले हैं। मे बी यू आर गोइंग टू बी द लवर, यू आर गोइंग टू बी लाइफ पार्टनर, ठीक है। पाइसिस वर्गो वो हो सकते हैं, एंड आप हो सकते हैं एरीज, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो, ठीक है। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, एंड आप अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं उनसे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आसान, चीज़ें काफ़ी आसान बनने वाली हैं दोपहर 2 बजे के बाद, सो पे अटेंशन टू इट, ठीक है। शनि और चांद का अगर आपको जाप करना है तो ज़रूर कीजिए, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, ओके। एरिस, कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो, सैजिटेरियस के लिए है ये, ठीक है। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं वो। कम्युनिकेशन, रिलक्टेंस, इंडिविजुअल एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ब्रेकडाउन आ रहा है कल, ठीक है। ब्रेकडाउन इसलिए आ रहा है, कुछ चीज़ें होने वाली है। अगर कार चला रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हालांकि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनका भी ब्रेकडाउन हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ सकते हैं, ओके। अब यस, वी हैव सीन दैट इज़ हैपनिंग, कि रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज आते हैं एंड पीपल फील लाइक दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये एक उसमें से चीज़ है। सेकेंड है इंडिविजुअल, अकेला, बी इंडिविजुअल, ठीक है। आप एक ग्रुप में शायद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर आप का कोई मेंटर है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं विद बिजनेस पार्टनर, लेकिन कल का दिन शायद आपके लिए इंडिविजुअल रहेगा, अकेला। मे बी कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे इंडिविजुअली, जैसे कि आपकी कोई बड़ी फर्म है एंड आप दोनों पार्टनर्स मिलके यू नो डिसीजन लेते हैं, लेकिन कल शायद आपको एक कोई बड़ा क्लाइंट मिलने आ रहा है एंड आपका पार्टनर आउट ऑफ स्टेशन है, तो आपको कोई बड़ा डिसीजन कल लेने को पड़ सकता है। एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, ओके। अब यहाँ पे है रिलक्टेंस एंड इच, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, दिस इज कुड बी हैपनिंग, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस, वर्गो है, लियो है, ठीक है, जेमिनाई भी है यहाँ पे, कि रिलक्टेंस है, आगे नहीं बढ़ना चाहते, कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड वो है कम्युनिकेशन, फाइनली आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से क्या होगा, क्या चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी या बिगड़ सकेंगी, यू नो, तो उसके बारे में आपको सोचना है। दोपहर 2 से 4 बजे का टाइमिंग है, वो थोड़ा सा हेक्टिक है। एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो है, वर्गो है, जेमिना है, पाइसिस है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, वो हैं 2, जो कि एक्शन, वांड्स, फायर साइन, 8 ऑफ वांड्स, फास्ट, एंड 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग थिंकिंग। कल आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप डे ड्रीमिंग भी करेंगे एंड अचानक से फास्ट बिहेवियर भी करेंगे, ठीक है। तो शायद कल मिक्स डे हो सकता है, अचानक से आपका बिहेवियर बहुत ही फास्ट हो सकता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वर्गो है, लियो है, सैजिटेरियस है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है 2 से 4 बजे के तक एंड 6 बजे के बाद, ओके। हालांकि आप डे ड्रीमिंग काफ़ी कर सकते हैं, मे बी यू आर मिसिंग समवन एंड आपको उनको मिलने जाना है। इसमें इनिशियल्स क्या आते हैं, इनिशियल्स हैं W, F, नंबर 7, नंबर 3, N, M, 4, 0, E, एंड दिस ऑरेंज कलर, ओके। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द 7, ओके। सो सेकेंड वन, अब देखते हैं थर्ड, ओके। बस 9 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, तो देखता हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ रीडिंग, ओके। वाओ,
काफ़ी अच्छी कार्ड्स आते हैं, आते भी हैं अगर आपके लिए सही है तो। ठीक है, ये क्या है? हौसला। अरे वाह, संदेश। संदेश कौन सा संदेश? संदेश से आते हैं, है ना। वह आपके सामने सात कार्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड होगा नखरे। या तो आप दिखाओगे या तो कोई आपको नखरे दिखाएगा। अगर कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, वो है आप किसी से प्यार करते हैं, वो अगर नखरेली व्यक्ति है तो यस, वो आपको काफ़ी नखरे दिखाएंगे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ना। तो काफ़ी नखरे हो सकते हैं। हालांकि आपके क्लाइंट्स भी हैं, वो भी आपके साथ कुछ खेल सकते हैं, यू नो, आपको घुमा फिरा सकते हैं। सो 2 से 6 बजे का टाइमिंग थोड़ा सा शांति से लीजिए एंड बी अलर्ट, ठीक है। काफ़ी क्लेवर बनिए। सजेस एरीज हैं, लियो हैं, आपके लिए काफ़ी एप्लीकेबल है। सेकेंड जो कार्ड है, कल आपकी थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। आई थिंक कोई DT भी कल आके आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, यू नो, एंड वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एरीज, लियो, सजेस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, पाइसिस है, जिनके लिए शायद कल परीक्षा ली जा सकती है, सो उसके लिए रेडी रहे। हालांकि आप एक चीज़ में डूबे हुए हैं, वो है इश्क। इश्क से आपकी नज़रें नहीं उठ रही हैं, यू जस्ट सेइंग आई एम इन लव, ओके। तो इश्क का बुखार आपके दिलो जहाँ पे कल तक रहेगा, सो जस्ट गेट रेडी फॉर इट। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। एंड अगर आप इश्क में डूबे हुए हैं, इश्क का, तो यस, यू कैन प्रोसीड अहेड फर्दर, ठीक है। अब ये हो गई 2 बातें, नेक्स्ट रहते हैं वो संदेश। आपको किसी का संदेश आ सकता है, यू नो, काफ़ी दिनों से अगर आपने किसी से बात नहीं की है तो फाइनली वो व्यक्ति आपसे बात कर सकता है। यू कैन सी दैट, यस, हाई एंड हाउ आर यू, ओके। तो अगर किसी ने आपसे बात करना छोड़ दिया है या फिर आपके किसी से बातें नहीं हो रही हैं आजकल, तो आप उनसे वापस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एरियस, लियो, सजेस्टर्स, वर्गो है, ठीक है। हौसला है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वर्गो है। हौसला रखना है आपको, ओके। कुछ बातें ऐसे हो सकती है कि आपकी पेशेंस टेस्ट हो सकते हैं, यू नो, मान लीजिए आप क्यू में हैं एंड अचानक से लाइन ख़राब हो गई। मैं एक बार शॉपिंग के लिए गया था, उनके पास सॉफ्टवेयर था लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, सॉफ्टवेयर बंद पड़ गया। तो यू नो, ग्रोसरी स्टोर था बहुत बड़ा, तो उन्होंने पहले जैसे सिस्टम ली, यू नो, अपनी बुक निकाली, उसमें मैन्युअली एंट्री करने लगे, बहुत टाइम जाने लगा। व्हाट कैन यू डू? हौसला रखना चाहिए आपको। 2 ही कार्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि है यादें एंड मार्च। वाओ, हर एक रेडी में कोई ना कोई मंथ आ गया है। मार्च में कुछ होने वाला है, मे बी मोस्ट सगाई या शादी मुझे लग रही है, शायद किसी सगे वाले की हैं, या फिर आप अपने लिए प्लान आउट कर रहे हैं। 2 से 20% चांसेस हैं आपके लिए, 80% आप किसी और की शादी में जाने का सोच रहे हैं। हालांकि यादें हैं, सो मे बी यू आर मिसिंग समवन, कोई एक्स या दो से मिस कर रहे हैं, या फिर पिछले साल को क्या क्या हुआ था आपके लाइफ में, वो सब आप मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन और यादें आपके दिल में चल रही हैं। एरीज, सजेस्टर्स, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या आती है। यहाँ पे हैं 4 कार्ड्स, ठीक है। तो 4 कार्ड्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओके, एंड देखते हैं। टैरो कार्ड भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस, विरोध, कहीं ना कहीं पे आपका विरोध हो सकता है, या फिर आप विरोध कर सकते हैं, यू नो। कोई चीज़ अगर आपके दिल के खिलाफ जा रही है तो आप डायरेक्टली उसको विरोध कर सकते हैं कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग, यू नो। मान लीजिए कि आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, या फिर आपके यू नो चाह के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यू कैन फील लाइक दैट। तो थोड़ा सा विरोध सोचता है, उससे क्या हो सकता है, रिफ्ट आ सकती है, अनबन हो सकती है, यू नो। मान लीजिए कहीं आपने गैराज में कार यू नो क्लीन करने को दी, या फिर उसके ऊपर वर्क करने को दिया, उन्होंने घटिया वर्क किया, तो आपकी उनसे बहस हो सकती है, यू नो। तो कल का दिन है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ऐसे चीज़ों के लिए, ओके। स्कॉर्पियो, सजेस्टर्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, एरीज हैं, काफ़ी भड़क सकते हैं आप, तो थोड़ा सा समय रखिए अपने पास एंड इस चीज़ से बचिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दूर जाना, वॉकिंग अवे। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिस आपको ट्रबल करता है, ऐसे व्यक्ति से आप दूर जा सकते हैं, ओके। हालांकि किसी का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, स्पेशली एरीज, कैप्रिकॉन, वर्गो का। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो आप उनको गुड बाय कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप उनके पास वापस भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये फीलिंग आपके दिल को टच कर सकती है कि व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्सन। हालांकि वापस से आप रीकनेक्ट हो सकते हैं, रिजुविनेट। एंड लास्ट कार्ड है वो है एडवाइज़र, सलाहकार, किसी से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या कुछ और हो, यू कैन गेट दिस डन ईजिली फ्रॉम अ पर्सन। ये पे 2 कार्ड्स हैं, उसमें से पहला कार्ड है 5, डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन एंड एक्शन, वांड, फायर साइन, विक्ट्री, 6, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्या आ रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको कुछ चीज़ करके दिखानी है लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है।
कोई शॉप खोलना है आपको या फिर कुछ चीज़ें करनी, जैसे कि मुझे अभी आधार अपडेट करना था मेरा, तो मैंने कर लिया, मुझे एक नया अकाउंट ओपन करना है ऑनलाइन, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा आधार अपडेट नहीं है और उसको अभी और टाइम लेगा, तो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी एरीज सजेस है, एंड यहाँ पे हैं पाइसिस कैप्रिकॉन लियो वर्गो टॉरस। विक्ट्री, जो चीज़ आप करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए, काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री आपकी लाइफ में है एंड काफ़ी अच्छी बातें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, विक्ट्री आपकी ही है। और लेकिन इनिशियल्स क्या आते हैं, इनिशियल्स हैं एफ जे एल के यू ए ओ सी, सॉरी जी है ये, एंड फाइनल कार्ड है ई। ठीक है, तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो, गॉड ब्लेस यू।